चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पिछले दिन के बाद फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। पिछले दिन हम लोग जो पढ़ रहे थे वहां पे बियो सावर्त नियम का कहां कहां पे अनुप्रयोग है, वहां कहां कहां यूज है, ये हम लोग पढ़े हैं। अब उसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है सबका प्रूफ पढ़ना है कि क्या क्या का कितना कितना प्रूफ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट लिखते हैं। तो चलिए अब टॉपिक दिया जाए केस नंबर वन, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम लोग जो भाई बियो सावर्त नियम का प्रयोग करके केस नंबर फर्स्ट को प्रूफ करने वाले हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके बारे में इसके पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत समझे थे कि ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली क्या है और इसके केंद्र पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे तो नहीं सीखे थे, लेकिन उसका फिगर कैसा बन सकता है ये हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमें वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना है, तो उसके नीचे एरो देंगे, कुछ बात लिखेंगे, कुछ मानना पड़ेगा हमें। तो लिखेंगे माना कि R त्रिज्या वाले कैपिटल R त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कुंडली से विद्युत धारा I, वृत्ताकार कुंडली से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है कौमा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी स्थित है कौमा इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले अब हम लोग को जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो किसका फाइंड आउट करना है, उसका क्या फिगर बनेगा। प्यारे छात्रों यहाँ पे जो हम लोग का ये फार्मूला प्रूफ करना है और ये फार्मूला प्रूफ हम लोग को करना बहुत जरूरी है अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग केस के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए। तो पहला केस ये बोल रहा है कि अगर मान लिया कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, यानी कि ऐसा वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई करंट पास कर रहा है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है सर, एक ही वायर को अगर गोल घुमा देंगे और फिर अगर करंट देंगे तो फिर इसमें तो करंट देंगे, जैसे मान लिया कि कोई वृत्ताकार कुंडली है और इसमें आई करंट देंगे तो पूरा तो सब में आई करंट ही हो जाएगा। तो जी नहीं, वैसा नहीं। ये वृत्ताकार कुंडली कैसा है? जब आप स्प्रिंग देखे होंगे तो स्प्रिंग कैसा है? तो स्प्रिंग एक वृत्ताकार के फॉर्म में है, या फिर एक स्क्रू को देखते होंगे तो वो जब जैसे ही यहां से स्टार्ट करते हैं तो वो गोल गोल घूम के ही करंट पास आउट करता है, वैसे ही। तो यहां पे बहुत सारा फेरा होता है, फेरों की संख्या, लेकिन यहां पे हम लोग एक ही फेरा लिए हुए, यानी कि एक स्प्रिंग को आप देखे होंगे बहुत सारा उसमें फेरा लगा हुआ रहता है, तो हम लोग सब पे काम नहीं करेंगे, एक ही स्प्रिंग का चारों तरफ लिए हुए हैं तो ऐसा नजर आएगा। और इसमें अगर आई करंट पास करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि इस वृत्ताकार कुंडली का हम त्रिज्या कैपिटल आर मान चुके हैं, कैपिटल आर, और यहां पे अगर जो है यहां पे केंद्र पे वो केंद्र है और यहां पे बी एक चुंबकीय क्षेत्र है। जी हाँ, बिल्कुल फिगर को अच्छा से देखिएगा क्योंकि यहां पे हम लोग का जो फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग फिगर बनाएंगे तभी हम लोग इसके बाद का कुछ काम कर सकते हैं। अब मान लिया कि चारों तरफ जो तार का टुकड़ा लिया गया है तो उसका टोटल लंबाई एल है, लेकिन अगर जहां से कट करते हैं, यहां से हम लोग कट किए हुए हैं,
इसका लंबाई dl है, तो इसका जब लंबाई है इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे की ओर जाएगा, यानी कि ये O से लेकर dl तक की दूरी r और इसके बीच में हमेशा कितना डिग्री बनेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा, यानी कि जो मेरा सेंटर है उससे dl को मिलाने वाला और फिर उसको उससे जो एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वो दोनों के बीच बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इतना तक हम लोग कर लिए, अब इसमें क्या क्या है वो जरा समझिएगा। जो केंद्र है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू भी है और इसमें आई करंट पास कर रहा है, यानी कि विद्युत धारा आई दे रहे हैं, और यहाँ पे चूंकि डीएल कट किए हुए हैं, ये डीएल क्या है, तो डीएल का मतलब छोटा सा भाग, वरना अगर मान लिया कि अगर वृत्ताकार फॉर्म में अगर हम लोग किसी भी वायर को मोड़ते हैं तो उसका टोटल परिमाप या परिधि वो होता है 2πr, याद रखिएगा r का मतलब त्रिज्या, अगर बड़ा r लेंगे तो यहाँ पे बड़ा r लेना होता है परिधि में। तो हम लोग को ये जो वायर है एक बड़ा वायर है जिसका लंबाई l होता है, कैपिटल स्मॉल l भी ले सकते हैं, कैपिटल l भी ले सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि पूरा लंबाई, और dl का मतलब छोटा सा लंबाई। तो अब हम लोग यहाँ पे dl एक कट किए हैं जिसका वैल्यू बिल्कुल छोटा है, जिसको हम लोग dl बोल रहे हैं। अब हम लोग आइए आते हैं चुंबकीय क्षेत्र के फार्मूला से। तो अब इसको प्रूफ करने का कुछ कंडीशन है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सूत्र से हम लोग dB का फार्मूला क्या होता है, तो I dl, उसके बाद क्या होता है IdL, सॉरी म्यू नोट होता है पहले, हाँ तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो म्यू नॉट बटा 4π IdL साइन थीटा, IdL साइन थीटा बटा r स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। हम लोग सूत्र से जरा चलेंगे तो ये होता है फार्मूला, लेकिन अगर हम लोग चित्र से यानी कि फिगर से अगर देखेंगे, चित्र से आप आएंगे तो थीटा बिल्कुल कितना डिग्री बोल रहा है अपने, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि O से लेकर dl तक के मिलाने वाली दूरी जो है r है, और इससे अगर जब स्पर्श रेखा खींचा जाए तो स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, मतलब कि 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री। और याद है कि यहाँ पे जो हम लोग r लिए हुए हैं, ये r क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान से dl की दूरी, ये r जो है हम लोग बियो सावर्त नियम में प्रूव किए थे, तो r क्या है, एक दूरी है, और किसके किसके बीच की दूरी, तो जो dl कट किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र जहां पर भी रहता है उसके बीच की दूरी, यानी कि ये छोटा r जो है यहाँ पे चित्र में वो बड़ा r जैसा दिखा रहा है, तो हम लोग जहां जहां कहीं भी है वहां पे हम लोग रख देंगे इसको, थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे और छोटा r का वैल्यू रख देंगे बड़ा r। तो अब dB का वैल्यू हो गया dB म्यू नोट बटा 4π आई dl साइन 90 डिग्री अपॉन ये छोटा r के जगह पे बड़ा r रखेंगे तो कैपिटल r का स्क्वायर। चलिए अब आगे का काम करते हैं, फिगर आपको बना लेना है, उसके नीचे सूत्र से चलना है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो हम फिगर को मिटाते हैं। अब के आगे उसके बाद यहां देखिएगा dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4π इंटू आई dl साइन 90 का वैल्यू आपको पता है 1, तो 1 छोड़ देंगे r स्क्वायर। अब चूंकि dB का वैल्यू है और हमको क्या निकालना है, फाइनली वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से सूचित करते हैं। तो प्यारे छात्रों हम लोग को तो B का वैल्यू निकालना है, और हम लोग अभी हम लोग किसका वैल्यू आया है, dB का फार्मूला आया है, तो इसको हम लोग को और पूरा करने के लिए हम लोग को समाकलन करना पड़ेगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि dx जब रहता है तो dx का इंटीग्रेशन या समाकलन होता है x। आपको एक फार्मूला है, हालांकि ये हम लोग मैथ्स में सीखेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, या फिर dp का इंटीग्रेशन p होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका उल्टा भी लिख सकते हैं प्यारे छात्रों, x को हम लोग लिख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन, यानी कि पहले इसको तो इसको, यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि
हमें तो अभी डीबी 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 का फार्मूला आ रहा है, हालांकि हमको किसका फार्मूला चाहिए, बी का फार्मूला चाहिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी बराबर इंटीग्रेशन डीबी, यानी कि हमको बी निकालना है। तो बी कब निकलेगा, जब डीबी का इंटीग्रेशन किया जाए, यानी कि जब इससे ये लिख सकते हैं, डीएक्स का इंटीग्रेशन से एक्स लिख सकते हैं, तो हम इसका उल्टा भी बिल्कुल लिख सकते हैं कि एक्स के जगह पे डीएक्स, लेकिन वो जरूरत के हिसाब से। इसीलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि कोई भी फार्मूला को प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन है, आप उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए, हमेशा रिवाइज करना है तो चीजें आसान बन जाएगी। चलिए, तो अभी हम लोग काम कैसे कर रहे हैं कि चूंकि हमें बी का वैल्यू निकालना है, अभी हम लोग केस वन ही चल रहे हैं, धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को तो बी से सूचित करते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए db का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, उल्टा चलना पड़ेगा। अब जरा हम यहाँ पे बात करें तो ये इंटीग्रेशन है, अब db के जगह पे तो ये पूरा है db का। अभी हम लोग चलते चलते चित्र से चले, उसके बाद ये चले, थीटा का वैल्यू रखने के बाद यही चीज मिला है ना db का वैल्यू, तो db का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, म्यू नोट बटा 4π इंटू आई इंटू dl बटा r स्क्वायर। अब यहाँ से कांस्टेंट कौन कौन सा है, तो जैसे कि डिफरेंशिएशन में हम लोग जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर करते हैं, वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है। इंटीग्रेशन में ये पूरा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो ये सब चला जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो यानी कि म्यू नॉट बट्टा 4π आर स्क्वायर, आई भी बाहर आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा dl। तो प्यारे छात्रों, अभी आप बिल्कुल याद कर लीजिए, चूंकि हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तब हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ रूल नियम देखेंगे। हालांकि अभी जो छोटा छोटा फार्मूला पढ़ रहा है यूज, जो छोटा छोटा इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज पढ़ रहा है, आप सिर्फ उसको पहले समझिए। तो इसके बाद डीएल का इंटीग्रेशन, तो जैसा कि अभी हम लोग डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स लिख रहे थे, तो इसके आगे भी हम लोग चलेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बटा 4π r इंटू dl का इंटीग्रेशन करें छात्रों l l, जहां l का मतलब क्या है जरा आपको समझना है। अभी तक के हमें b का वैल्यू आया हुआ है, l का मतलब ये हुआ कि जो आप अभी इसके पिछले वाले में फिगर में बनाए हुए थे कि एक वृत्ताकार के फॉर्म में आप किसी वायर को जोड़े थे और छोटा सा जो कट किए थे उसका वैल्यू आप dl रखे थे, तो ये गारंटी है कि टोटल कितना होगा भाई, तो एल होगा। एल का ही ना छोटा टुकड़ा आप डीएल बोल रहे हैं, तो एल का मतलब क्या, वृत्त का चारों तरफ का वो लाइन। तो चारों तरफ का एल का मतलब क्या हुआ, परिधि या फिर परिमाप, वही ना होता है, यानी कि जो वृत्त के चारों ओर का जो लाइन होता है वो या तो परिधि कहलाता है या तो परिमाप कहलाता है। तो आप ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा कि जहां l बराबर क्या, वृत्त की परिधि, जहां l क्या है, तो वृत्त की परिधि है। पहले छात्र, जब l वृत्त की परिधि हो गया तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2π r। प्यारे छात्रों, r वही होगा जो वृत्त का त्रिज्या होगा। वृत्त का त्रिज्या अगर छोटा r रखेंगे तो परिधि हो जाएगा 2π r, अगर यहां पे बड़ा r रखेंगे तो 2π कैपिटल R होगा। यानी कि वृत्त का जो हम लोग त्रिज्या लेते हैं वही हम लोग का बनता है परिधि, अगर छोटा R लेंगे तो छोटा R। तो प्यारे छात्रों, जो भी हम लोग फिगर बनाए थे वहां पे त्रिज्या हम लोग कैपिटल R लिए हुए हैं, तो इसलिए L के जगह पे हम लोग 2π कैपिटल R पुट करेंगे। तो अब हम लोग L के जगह पे एल के जगह पे रखेंगे 2π r, तो अब क्या बनेगा, म्यू नोट बटा 4π r, आई के जगह पे आई रखेंगे, एल के जगह पे लिखेंगे 2π r, तो r से r खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म। तो कुल मिलाकर अगर बन जाएगा इसका जो बनेगा वो म्यू नोट आई बटा में r, एक मिनट, इसके कहीं गलती तो नहीं किए हैं, हाँ जरा सा मिस्टेक हुआ है, ये आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट है तो इसको पूरा बाहर निकालेंगे,
और यहाँ गलती से आर लिखा है, तो आप इसको थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे आर स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर होगा और नीचे भी आर स्क्वायर होगा। अब एक ठो कटेगा ऊपर वाला आर नीचे वाला आर से, तो अब बन जाएगा इसलिए बी बराबर म्यू नॉट आई बटा टू आर। और बिल्कुल प्यारे छात्रों, ये बिल्कुल आपको याद रख लेना होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, लेकिन किसके लिए, तो धारावाही कुंडली के केंद्र पर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। अभी तक के हम लोग जो केस वन था उसका हम लोग डिराइव कर लिए, उसका फार्मूला बनाया है कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। अच्छा, अब धारावाही कुंडली का मतलब ये किसका वैल्यू है, जब एक बार अगर राउंड करेगा तब, अगर स्प्रिंग जैसा अगर दोबारा राउंड करता है तब कितना होगा, तो अगर उसको बोलते हैं फेरों की संख्या। ये एक बार का है, जब हम बोलेंगे कि एक कलम का दाम जब 5 रुपया है तो 2 कलम का दाम कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये एक फेरा के लिए हुआ। अगर मान लिया जाए कि जब एक तार को अगर एक बार अगर लपेटेंगे तब उसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन अगर 2 बार लपेटेंगे तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 3 बार लपेटा हुआ रहेगा तो 3 बार गुना कर देंगे, यानी कि धारावाही कुंडली ही रहेगा लेकिन केंद्र पर निकालना रहेगा। कंडीशन क्या रहेगा कि उसको 4 बार लपेटा गया है, 5 बार लपेटा गया है, यानी कि फेरों की संख्या जितना भी रहेगा उसको उतना से गुना कर देना है। तो जरा अब इसके नीचे, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया फार्मूला, लेकिन बस एक पॉइंट लिखना जरूरी है, वो लिखेंगे नोट में करके। यदि फेरों की संख्या एन हो तो, एन का मतलब कोई भी नंबर, 2 बार लपेटा गया, 3 बार लपेटा गया, 4 बार लपेटेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल एन। अगर यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू एन से गुना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बटा 2R, जहां पे बी चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट आपको पता होना चाहिए कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। यहाँ पे बी का मतलब समझ ही रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र है, आर का मतलब समझ ही रहे हैं ये क्या है, तो ये त्रिज्या है। अलग अलग केस के लिए सबका मान अलग अलग होता है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ चल रहे हैं वृत्ताकार कुंडली, उसमें जो कैपिटल आर है वो त्रिज्या लिए थे, तो ये त्रिज्या है। आई का मतलब धारा, विद्युत धारा, और म्यू नॉट का मतलब ए स्थिरांक है जिसका वैल्यू हम अभी नीचे लिखने वाले हैं, और एन का मतलब फेरों की संख्या। और यहाँ म्यू नॉट के बारे में समझ लीजिए कि एक स्थिरांक है जिसका वैल्यू होता है 4π × 10⁻¹ हेनरी पर मीटर। इसको बिल्कुल आपको याद रख लीजिए, एक कभी भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि म्यू नॉट का मान कितना होता है, या फिर न्यूमेरिकल में आपको यूज करने के लिए मिल सकता है। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π × 10⁻¹ हेनरी पर मीटर। तो इस तरीके से भी हम लोग केस वन को कंप्लीट किए। केस वन ये था कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होता है, तो वहां पे सिंपल अगर कोई फेरा नहीं दिया रहेगा तो इतना, अगर फेरों की संख्या दिया रहेगा, सवाल आएगा कि 10 फेरे हैं, इतना एम्पियर का धारा दिया जाए, उसका इतना त्रिज्या है और मिनट का वैल्यू तुमको पता है, और बोला जाएगा कि उसको केंद्र पर निकालना है, तो केंद्र पर के लिए यही फार्मूला है, हम लोग इसी को यूज करेंगे। न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले जरूरी है फार्मूला को डेराइव करना, फार्मूला को प्रूफ करना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या था, अगर आपको याद होगा तो वहां भी चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना था, लेकिन किस कंडीशन में, तो कंडीशन यह था कि सीधे धारावाही तार है, यानी कि तार मिल रहा है, एक वायर है, लेकिन इस बार मुड़ा हुआ नहीं है, सीधा है, वायर जो है सीधा है। अब इसमें हम लोग 2 सिचुएशन करने वाले हैं, एक अनंत तार के लिए और एक परिमित तार के लिए। तो यानी कि अभी हम लोग जो टॉपिक देंगे
वो केस टू, केस टू का नाम लिखिएगा, हम बोल के लिखवा देते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा। फिर सीधे धारावाही चालक के कारण, यहां लिखेंगे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये मेरा टॉपिक हो गया एक तरीके सा, केस टू। अब इसके नीचे का कुछ एरो लेंगे, कुछ मानेंगे हम लोग। तो लिखा जाए, लिखा जाए इसके नीचे, माना कि, माना कि ए बी, ए बी एक एक सीधे धारावाही चालक है, ए बी एक सीधे धारावाही चालक है, जिसमें, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा I प्रवाहित किया जाता है, कॉमा इसके कारण, इसके कारण किसी बिंदु P पर, इसके कारण किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, सेकेंड एरो, उसमें लिखेंगे माना, माना कि, माना कि सीधे चालक तार से P तक की दूरी, सीधे चालक तार के से, सीधे चालक तार से P तक के दूरी कैपिटल R है, कैपिटल आर है, तथा, तथा चालक के कोई बिंदु, चालक के कोई बिंदु ओ है, ओ बड़ा ओ है, जिससे, जिससे एक्स की दूरी पर, एक्स ये छोटा एक्स है, सब बताते हैं क्या है, x की दूरी पर एक अल्पांश, एक अल्पांश dx लिया गया है, एक अल्पांश dx लिया गया है, एक अल्पांश dx लिया गया है। चलिए तो अभी हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीधे धारावाही तार को, इसके बाद इसको दो सिचुएशन में बांटेंगे, एक अनंत के लिए और एक परिमित के लिए, जैसे हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीधे धारावाही चालक तार के लिए, अभी जो जो पॉइंट्स हम लोग लिखे हैं ये सब सारा क्या है, यानी कि पहले इसको कुछ हद तक, कुछ दूरी तक चलना पड़ेगा इसमें, इस टॉपिक्स में, और फिर यहां से दो रास्ता कटेगा, एक अनंत के लिए और एक परिमित के लिए। यानी कि हम लोगों को जो केस टू करना है, पहले कुछ काम करते जाना है, कुछ हो गया तब वहां से दो रास्ता कटेगा, ऐसा नहीं है कि शुरू से अनंत के लिए अलग है और शुरू से परिमित के लिए अलग है। यानी कि जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं इसमें दो चीज याद करना है, एक अनंत के लिए, अनंत लंबाई वाले के लिए, और एक परिमित के लिए। तो हम लोग अभी जो काम करेंगे वो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में वहां तक चलेंगे, अब वहां से दो रास्ता बटेगा, एक अनंत के लिए काम करेगा और एक परिमित के लिए। तो चलिए पहले हम लोग फिगर को देखेंगे, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है और फिगर में हम लोग क्या क्या माने हैं, क्या क्या नाम दिए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है जो अभी आप लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्यारे छात्रों, यहाँ पे हम एक सीधे धारावाही तार लिए हुए हैं, एक क्या है, तार है, वायर है जो बिल्कुल सीधा हुआ है,
अब इसमें इसका तार का नाम है ए बी, जो कि हम लोग पहले लिख चुके हैं कि ये ए बी एक तार है जिसमें हम लोग आई करंट दे रहे हैं, विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है। आप चाहें तो ऊपर से भी दे सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग दिखा दिए कि इस तार में आई करंट पास किया जा रहा है। उसके बाद अब ये बोला जा रहा है कि इस तार के बहुत सारा बिंदु है ना, ए बी बहुत सारा बिंदु है, लेकिन कोई बिंदु ले लेना है जिसका नाम ओ है, यानी कि तार का ही कोई बिंदु है जिसका नाम ओ है, और इसी तार से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है, पॉइंट का नाम पी है, और वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र डी बी मौजूद है, यानी कि यहीं पे हमें ज्ञात करना है, यू बोले तो यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। सवाल समझिए, पहले तार है जिसका नाम ए बी है और उसमें आई करंट दे रहे हैं। अब किसी भी तार पे आप ओ यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन इससे कुछ दूरी पर आप ये दूरी इधर पी न मान के इधर भी पी मान सकते हैं। तो कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट है जहां से इसका दूरी जो है दूरी आर है, यानी कि जिस पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो पॉइंट का नाम पी है, यानी कि इसी बिंदु पर हम बी का मान निकालेंगे। कब? जब एक सीधा तार है और इसमें आई करंट पास कर रहा है और इसके इसके बीच की दूरी कितना है, आर लिया हुआ है। अब एक और बात लिया हुआ है कि अब ओ बिंदु है, अब इस बिंदु से तार का लंबाई कितना है यह अभी पता नहीं है, लेकिन ये क्लियर बोला जा रहा है कि कुछ दूरी पर, यानी कि वो दूरी क्या है, एक्स, एक्स की दूरी पर एक कट लिया गया है, एक छोटा सा भाग लिया गया है, इसका मान डीएक्स है, इसका वैल्यू डीएक्स है, यानी कि एक्स मीटर की दूरी पर एक छोटा सा हम लोग डीएक्स कट किए हैं, और वहां से अगर बात किया जाए यहां तक की दूरी को, तो एक यूनिट वेक्टर लिए हैं जिसको आर कैप बोल रहे हैं, और यहां से यहां तक का जो एक त्रिभुज बन रहा है उसके कर्ण को लिया गया है छोटा आर, यानी कि हम लोग जो डीएक्स कट किए हैं उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी को आर लिए हैं छोटा सा आर, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा बन रहा है, और इसके इसके बीच का माना जा रहा है कि एंगल जो है अल्फा बन रहा है, और यहां पे तो आपको पता है कि यहां पे बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हम लोग का कंप्लीट फिगर हुआ। आपको यहां से जब कुछ भी थीटा अल्फा ये सब जा रहा, भले ही हम लोग नहीं लिखे हैं लेकिन आपको फिगर में ये सब दिखाना जरूरी होता है। तो इतना चीज करने के बाद अब आपको चलना पड़ेगा सूत्र से। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, तो आप सूत्र से चलिए। सूत्र से आप यही लिखिएगा कि db बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई आई dx आई dx साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। आप बिल्कुल यही बोलेंगे, ऐसा इसलिए बोलेंगे ताकि आप समझिए वहां पे था dl या dx जो भी कट करेंगे, यहां पे dx कट किए हैं तो यहां पे dx sin थीटा बटा r स्क्वायर लिखे हैं। अब जरा समझते हैं यहां पे थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या है। तो अब हम लोग चलेंगे चित्र से, क्योंकि ये तो सूत्र है ना हम लोग का, बीयू सावर्त नियम। तो अब हम लोग चित्र से चलेंगे, फिगर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र से आप चलिए, तो ये त्रिभुज देखिए बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज का ये जो थीटा जो मान है एक बहिष्कोण है, और बहिष्कोण के बारे में अगर आपको पता होगा कि बहिष्कोण का जो वैल्यू होता है उसके अपोजिट में दो जो कोण होते हैं उसके एंगल का सम के बराबर होता है। जैसे मान लिया एक त्रिभुज है, इसका वैल्यू थीटा है, इसका वैल्यू पी है, इसका वैल्यू टी है, इसका वैल्यू आर है, सब एंगल बता रहे हैं। तो ये त्रिभुज का बहिष्कोण कौन है, बाहर का कोण थीटा है, तो थीटा को जो मान होगा इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट का मतलब ये और ये दोनों का एड के बराबर होता है। तो
जिस तरह से अगर आप चलेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, तो थीटा का वैल्यू जी हाँ आप देख पा रहे होंगे, थीटा का वैल्यू जो रखना पड़ेगा वो क्या रखना पड़ेगा, तो 90 डिग्री प्लस अल्फा रखना पड़ेगा। अब आप जब आर का वैल्यू देखेंगे अच्छा से, छोटा आर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा जरा ये बताइए। तो एक 90 डिग्री का एंगल है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में तीन चीज होते हैं प्यारे छात्रों, पहला लंब, कर्ण, आधार। लंब होते हैं, कर्ण होते हैं और आधार होते हैं। और इस फिगर में आप देख रहे होंगे तो कर्ण क्या है, छोटा आर, लंब क्या है एक्स, और आधार है छोटा आर। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, चित्र से ही चल रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और जब छोटा आर है इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अगर बढ़िया से इन चीजों को देखा जाए, अच्छा एक और इसमें फिगर में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिगो आप पढ़े होंगे तो वहां से भी हम लोग चलेंगे तो एक बात हम लोग को क्लियर बन जाएगा, वो कौन सा वो जरा देखते हैं। अभी चित्र से ही हम लोग चल रहे हैं, नीचे तक दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। तो अब चित्र से आप एक बताइए कि यहां से अगर टेन, यहां पे अल्फा है ना, तो अगर हम टेन अल्फा लगाते हैं, टेन अल्फा, तो फार्मूला क्या होता है, पी बटा बी। यानी कि ट्रिगो में, टेंथ के ट्रिगो में पढ़े होंगे कि टेन अल्फा बराबर, चाहे थीटा बराबर अगर रहता तो टेन थीटा लिखते हैं, लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी। तो इसके सामने पी कौन सा है, एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स बटा, अब ये आधार कितना है बड़ा, तो एक्स बटा आर, यानी कि टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स बटा आर हो गया। अब जरा उसके नीचे हम लोग यहां से आते हैं, क्योंकि फिगर भी रहना जरूरी है अभी समझने के लिए। तो टेन अल्फा जो हुआ वो एक्स बाई आर हुआ, तो यहां से एक्स का जो वैल्यू होगा आर को ऊपर ले जाएंगे, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं आर इंटू टेन अल्फा, नीचे वाला जो आर है वो ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स बराबर आर इंटू टेन अल्फा, एक्स बराबर हो गया आर इंटू टेन अल्फा। अब जरा अब हम लोग तो पढ़े हुए हैं ना कि x बराबर जब r tan अल्फा हुआ तब हम इसको डिफरेंशिएशन पढ़े हैं प्यारे छात्रों, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब जब इसका अवकलन करेंगे तब हम लोग को क्या क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम लोग सीखते हैं। फिलहाल फिगर का कोई काम नहीं है इसलिए हम इसको मिटाते हैं, ताकि अब हम लोग इसको अवकलन करेंगे। यानी कि अभी चित्र से ही चल रहे हैं, थीटा का वैल्यू इतना रखेंगे चित्र से, आर स्क्वायर इतना था तो इसको अंडर रूट कर लिए। अब चित्र में टेन अल्फा था पी बाई बी, तो एक्स बटा आर, अब जब नीचे वाला आर को ऊपर ले गए तो बन गया आर टेन अल्फा। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो जब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बनेगा क्या, डी एक्स बटा डी एक्स, और डी आर टेन अल्फा बटा डी एक्स। हम लोग तो सीखे हुए मैथ्स में भी चल भी रहा है कि दोनों तरफ डीएक्स डीएक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब डीएक्स डीएक्स का वैल्यू कितना होता है प्यारे छात्रों, वन होता है बराबर। हम लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़ रहे हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेना है, तो आर कांस्टेंट है तो आर को बाहर निकाल लिए, तो अब क्या बनेगा, डी टेन अल्फा बटा, प्यारे छात्रों यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, चूंकि टेन अल्फा है तो हम लोग को फार्मूला पे तभी ना आएगा जब डी अल्फा होगा, डी टेन अल्फा है तो टेन के बगल में अल्फा है, तो यहाँ पे डी अल्फा, और नीचे वाला चल गया डी अल्फा ऊपर और बटा में डी एक्स। तो अब हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा, ओ अब थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम होने की वजह से आप जरा ध्यान से देखिए कि कहाँ से कहाँ लिखा जा रहा है वो समझते जाइएगा। यहाँ हो गया, अब जरा फिर से हम लोग ऊपर से आते हैं, इधर बन रहा है वन इज इक्वल टू आर। अब आपको फार्मूला डिफरेंशिएशन का पता होगा कि टेन अल्फा बटा डी अल्फा यानी कि डी टेन एक्स बटा डी एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स,
तो यहाँ डी टेन अल्फा बटा डी अल्फा बन जाएगा क्या आपका सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा टेन अल्फा का डिफरेंसिएशन। अच्छा इधर क्या बन जाएगा तो डी अल्फा बटा डी एक्स। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा आप समझिए, अभी आप चीजों को देखते जाइए, सबका यूज है, सबका यूज है, कोई भी बेवजह नहीं है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे वाला जो dx है इसको बराबर के उस साइड लाएंगे तो नीचे वाला dx उधर चला जाएगा, इसका मतलब dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा, घेरेंगे नहीं छोड़ देंगे। अभी तक के हम लोग चित्र से ही चल रहे थे, इतना काम, थीटा का वैल्यू इतना रखना है, आर स्क्वायर आर का वैल्यू इतना रखना है, टेन अल्फा का वैल्यू इतना रखना है, अब इसको इसको करते करते इतना आ गया। अब हम लोग चलेंगे पुनः जो डीबी का वैल्यू है उसमें हम लोग सबका मान रखने वाले हैं। सबसे पहले थीटा का मान रखेंगे 90 डिग्री प्लस अल्फा, इस आर के जगह पे रखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस डीएक्स के जगह पे रखेंगे आर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। इसीलिए प्यारे छात्रों हम लोग चित्र से इतना का वैल्यू निकाल लिए, हम लोग उसी का वैल्यू निकाले हैं जो बाद में यहाँ पे रखा जा सकता है। जैसे थीटा का मान निकालिए इसको रखने वाले हैं, छोटा आर का वैल्यू निकालिए इसको पुट करने वाले हैं, और इतना करते करते अवकलन, ये सब मामला क्या था, मामला था हमें डीएक्स तक पहुंचना। इसीलिए अभी हम लोग dx का मान निकाल चुके हैं, थीटा का मान, r का मान, इतना चीज निकाल चुके हैं। अब सबका मान पुनः आप इससे चलिए और सबका मान रख दीजिए, यानी कि अब रहा बात कि सर आपको कैसे पता कि यही सब चीज करेंगे तो ही आएगा हम लोग का प्रूफ, तभी प्रूफ होगा। तो प्यारे छात्रों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको एक ही चीज को बार 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 रिविजन करना पड़ेगा, और ऐसा करने से ही तब आपको भी पता चल जाएगा कि सिचुएशन क्या होता है, क्या करने से हमें क्या प्राप्त होगा। आखिर अभी तक के तो पता नहीं था कि क्यों फालतू का डिफरेंशिएशन यहाँ कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन वाला रूल लगा रहे हैं, अब पता चला कि dx का जो मान निकला क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं। तो जरा हम लोग पुनः चलते हैं और याद रख लीजिएगा dx की जगह पे जगह नहीं है, r sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा रखेंगे। तो आप चलिएगा पुनः पुनः चलिए फिर से चित्र में ही चलते हैं। अभी चूंकि मेरा पास जगह नहीं था तो हम फिगर को मिटा दिए हैं, तो अभी पुनः अभी चित्र से ही चल रहे हैं। चित्र से अभी तक के क्या क्या आ गया, तो थीटा का वैल्यू आ गया 90 डिग्री प्लस अल्फा, अभी तक के ये आया है, और दूसरा कि एक्स सॉरी डीएक्स इज इक्वल टू आया है क्या, तो डीएक्स इज इक्वल टू आया है आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ये दो चीज आ गया है। अब हम लोग काम करने वाले हैं पुनः उसी चित्र से चल रहे हैं, चित्र से ही अभी चल रहे हैं, दो चीज का वैल्यू आ गया। आप दोबारा इन चीजों को नहीं लिखिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए हम याद रखने के लिए थीटा का वैल्यू और डीएक्स का वैल्यू जो निकाले उसको लिख लिए हैं। अब फिर से उसी चित्र में चलेंगे और सेक अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जो फिगर था ना यहाँ पे अल्फा था, इसका आर था, ये छोटा आर था, ये एक्स था, तो सेक अल्फा लगाएंगे। तो सेक अल्फा क्या होता है, एच बटा बी होता है, यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का वैल्यू कितना है, छोटा आर, और आधार का वैल्यू कितना है, बड़ा आर। तो यहां पे पुट कर दिए। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जब नीचे वाला आर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, आर सेक अल्फा बराबर छोटा आर, यानी कि हमें तीन चीज आ चुका है, पहला दूसरा ये चूंकि हम ये पहले हम लोग लिख चुके हैं इसलिए आप दोबारा नहीं लिखेगा, मेरे पास स्पेस नहीं था तो याद रखने के लिए दोनों का यूज करना था इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिए। अब फिर से अगर आप फिर से चित्र में ही हम लोग ये लिखे हुए हैं, चित्र से चलिएगा तो छोटा आर का वैल्यू आएगा आर सेक अल्फा, यहां तक छोड़ देना है, यहां पर डिफ्रेंसिएशन वगैरह नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है और कहां पे वहां पे जब जो हम लोग अवकलन वगैरह कर रहे थे वहां पे सबका यूज है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कहां पे क्या करना है, कहां पे नहीं करना है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो यहां पे हम लोग अवकलन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पुनः अगर हम बात करें, चूंकि फार्मूला मिटा दिए हैं, तो हम फिर से लिख देते हैं डीबी बराबर
म्यू नोट बेटा 4 पाई आई डी एक्स साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला था। और इस फार्मूला में हम लोग थीटा का वैल्यू चित्र से चलते चलते निकाल चुके हैं, डीएक्स का वैल्यू चित्र से ही चले फिर अवकलन किए तो डीएक्स का मान आ चुका है, इसीलिए प्यारे छात्रों हम लोग अवकलन कर रहे थे। अच्छा, छोटा आर का वैल्यू ये चीज पुट करेंगे तो सबका वैल्यू पुट करने के बाद लिखेंगे म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई डीएक्स का वैल्यू क्या, तो आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री प्लस अल्फा, और नीचे में क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या, ये छोटा आर करना है तो छोटा आर का स्क्वायर करना है, मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा कट रहा है, एक आर से एक आर कट रहा है, अब क्या बच रहे हैं म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई डी अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा। तो चूंकि यहां पे फार्मूला होता है प्यारे छात्रों समझिए, साइन 90 डिग्री प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है, ये 11th का फार्मूला है, 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, तो यहां 90 डिग्री प्लस अल्फा कॉस अल्फा बटा आर। तो अभी तक के जो हम लोग आया कि डीबी का वैल्यू क्या आ चुका है, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी अल्फा कोस अल्फा बटा आर। हालांकि हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोगों को चाहिए कि टोटल चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके बाद मिटाते हैं इधर। अब डीबी का वैल्यू ये आ गया, अब हम लोगों को तो चाहिए बी का मान, तो बी का मान निकालने के लिए डीबी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन में जो डीबी का वैल्यू आया है उसको यहां पुट करेंगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी अल्फा कोस अल्फा बटा आर। यहां पे म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सबको बाहर निकालेंगे क्या बनेगा, तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर, अब अंदर में क्या, तो कोस अल्फा डी अल्फा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोस अल्फा का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे भी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही कोस एक्स का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे डी अल्फा है, तो यहां पे बनेगा साइन अल्फा। आप इन चीजों को समझ नहीं रहे होंगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस अलते ये फार्मूला होता है। आप एक चीज समझिए कि कोस अल्फा का जो इंटीग्रेशन होता है डी अल्फा के रिस्पेक्ट में, इसके जगह पे हम कितना लिखते हैं साइन अल्फा। तो जो हम लोग ब्रैकेट में घेर रहे हैं ये आयताकार क्षेत्र में, ये एक फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं याद है तो इन फार्मूला को नोट कर सकते हैं। तो कोस अल्फा डी अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा लिख सकते हैं। इसलिए प्यारे छात्रों बी का जो वैल्यू हो गया वो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा होता है। और ये याद रखिएगा कि अब हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ये किसके लिए है, तो सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हम लोग को प्रूफ कर चुके हैं कि सीधे धारावाही चालक तार के लिए ये टोटल फार्मूला आ चुका है। अब जैसा कि हम लोग पिछले दफा हम लोग अभी सीखे हैं कि अब इसको हम लोग दो पार्ट में सिचुएशन बांटेंगे, एक अनंत के लिए और एक परिमित के लिए। तो अब दोनों में यहां तक काम करना है प्यारे छात्रों। ये अगर सवाल आएगा कि सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकाले जो अनंत हो, जो अनंत हो, तो अनंत के लिए भी आपको इतना काम करना पड़ेगा, तब इसी के आगे आपको दो रास्ता मिलेगा। एक सीधे धारावाही चालक तार में इतना काम करने के बाद ही आपको दो रास्ता कटना पड़ेगा, एक अनंत के लिए एक परिमित के लिए। तो हम लोग आइए यहां से दो सिचुएशन को फॉलो करते हैं, और ये बिल्कुल हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां के बाद से हम लोग सिचुएशन नंबर 1 पढ़ते हैं। सिचुएशन
सिचुएशन का मतलब एस आई टी यू, पढ़ लीजिएगा, सिचुएशन वन है, यानी कि केस टू का सिचुएशन नंबर वन, कब, जब तार की लंबाई अनंत हो, अनंत हो। चलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जब अगर तार की लंबाई अगर अनंत करने बोलेगा तो यहां पे जो लिमिट लेना है अल्फा का मान जो लेना है माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक लेना है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब तार का लंबाई अनंत होगा तब अल्फा का मान कहां से कहां तक लेना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब ये चीज क्या होता है जरा आप समझिए। जैसे मान लिया कि एक तार है, अब इस तार के बाद में कुछ पॉइंट है, आपको यहां पे खड़ा कर दिया जाए और फिर आप बोले, आपको ये बोला जाए कि आप इस तार को देखो अनंत तक, तो अनंत कब होगा, जब आप बिल्कुल ऊपर की ओर देखेंगे, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा इधर देखेंगे तब तो तार यहीं तक ना होगा और नीचे देखेंगे तो यहीं तक होगा, इसका मतलब तो ये तो परिमित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा तार की लंबाई। यानी कि आप बोलेंगे कि सर हम इसको पूरा सीधा देखेंगे, जितना हो सके ऊपर की ओर देखेंगे और जितना हो सके नीचे की ओर देखेंगे, यानी कि इस तार की लंबाई को अनंत करने के लिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू लेने का क्या रीजन है, क्या कारण है, क्योंकि अगर आपको इस पॉइंट पे बैठा के और फिर तार को देखने के लिए बोला जाए तो अगर हम ये बोले कि कब अनंत तक दिखेगा, तो जब ऊपर, क्योंकि यहां पे एंगल है ना, तो अनंत कब होगा, जब एकदम बिल्कुल 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री का मतलब नहीं है कि यहां तक है कि यहां तक है, 90 डिग्री का मतलब सीधा। तो इसीलिए हम लोग यहां पे जो अल्फा का मान है वो लेते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तब पुनः सूत्र से चलेंगे, पुनः जो आया है अब इसी का यूज करना, इसीलिए हम बोले हैं कि इससे दो रास्ता कटा है, एक सिचुएशन नंबर वन और इसी से प्रूफ करेंगे सिचुएशन नंबर टू। तो सिचुएशन नंबर वन ये बोल रहा है कि फार्मूला क्या आया है डी का, चुंबकीय क्षेत्र का, म्यू नॉट आई बटा फोर पाई आर और साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, तो देखिए माइनस पाई बाई टू से, तो इसको लिखने का तरीका यही है, साइन अल्फा का जो मान है वो लिखना है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो यहां लिख दिया माइनस पाई बाई टू और कहां तक लेना है, तो प्लस पाई बाई टू तक। अब इसको लिखने का आगे का तरीका म्यू नोट आई बटा फोर पाई आर। अब इसका जो लिखने का तरीका है, पहले अल्फा के जगह पे अपर लिमिट रखा जाता है, तो अल्फा के जगह पे अगर रखेंगे अपर लिमिट तो साइन पाई बाई टू होगा, और नीचे वाला जो कुछ भी लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं, यानी कि ऊपर वाला लिखते समय उसका मान एज इट इज लिखा जाता है, फिर अपने तरफ से माइनस लगाते हैं और फिर इसको लिखते हैं साइन, अब अल्फा के जगह पे फिर नीचे वाला वैल्यू यानी कि माइनस पाई बाई टू। ये प्यारे छात्रों रूल होता है हम लोग का कि जब जहां से जहां तक के वैल्यू हमें निकालना पड़ता है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले अल्फा के जगह पे ऊपर वाला मान रख देते हैं, फिर हर बार ये घटाया जाता है, चाहे अगर यहाँ पे प्लस पाई बाई टू रहता तो यहाँ पे प्लस रखते हैं, लेकिन ये माइनस जरूर होता है, ये फार्मूला है, ऐसा करने का रूल नियम है। हालांकि यहां हम लोग माइनस पाई बाई टू से लिए हैं तो यहाँ माइनस पाई बाई टू। आप एक सवाल और बोल सकते हैं कि सर हम ऊपर भी तो माइनस लिख सकते हैं और नीचे प्लस लिख सकते हैं, तो जी नहीं, हमेशा जो बड़ा रहता है उसी को ऊपर रखना होता है और जो छोटा रहता है वो नीचे लिखा जाता है, ये रूल है, ऐसा हम लोग इंटीग्रेशन में सीखेंगे जब हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट आई बटा फोर पाई आर, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, जी बिल्कुल 1, और माइनस, और ये वाला माइनस जब आगे आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन में आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये रूल है। तो साइन के अगर आगे माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर बन जाएगा साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना, 1। तो कुल मिला के 1 और 1 मिलकर हो गया 2, और 2 से ये कटेगा तो कितना हो गया, ये याद रखिए प्यारे छात्रों, ये जो फार्मूला है वो दोनों के लिए काम करता है, इसीलिए सीधे धारावाही चालक के कारण ही लिखना है।
अब अभी जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, तो 112 और 2 से 2 कर कट जाएगा, इसलिए जो b का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो म्यू नॉट i बटा 2πr। ये आ गया प्यारे छात्रों हम लोग का प्रूफ, किसके लिए, तो अनंत तार के लिए, अनंत तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ये वैल्यू आया है अनंत तार के लिए, जहां म्यू नोट समझ ही रहे हैं, आई समझ रहे हैं, पाई का वैल्यू समझ ही रहे हैं, आर का यहां पे मीनिंग त्रिज्या नहीं है, आर का मीनिंग त्रिज्या नहीं है, तार से पी तक दूरी, जो पी तक के पॉइंट हम लोग माने थे ना कि यहां तार है और कुछ दूरी पे पी है, तो यहां वाला दूरी त्रिज्या हर बार नहीं समझना, त्रिज्या वही यूज करेंगे जहां पे हम लोग मानेंगे, यहां पे बड़ा आर का मान क्या होता है, तो बड़ा आर का वैल्यू हम लोग माने हुए हैं तार का पी तक के दूरी, तो ये जो आर है वो तार के पी तक के दूरी है। तो हम लोग आज जो पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़े प्रूफ के बारे में, तो लगभग दो केस खत्म ही है, क्योंकि एक और इसमें सिचुएशन बन गया, बच गया है सिचुएशन नंबर 2, जब तार की लंबाई परिमित हो, फिक्स हो, तो उसके लिए क्या प्रूफ आता है। तो इन चीजों का जो प्रूफ आ रहा है बिल्कुल आप नोट कर दीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, ताकि इसका हम लोग एक समरी एक एक जगह इकट्ठा भी करेंगे फार्मूला को, और फिर हम लोग का यूज भी होगा, तो हम लोग को अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब मिलते हैं फिजिक्स के अगले क्लास में, सिचुएशन नंबर 2 से पढ़ेंगे, जब तार की लंबाई फिक्स होगी, परिमित होगी। धन्यवाद।